अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में घड़ी देखने के हवाले से। इसके बहुत सारी सूरतें हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ख्वाब में घड़ी एक दोस्त की अलामत है। ये दोस्त किसी भी सूरत में आपसे झूठ नहीं बोलेगा और ना ही धोखा देगा। वो कुछ हालात में गलत काम कर सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर बुरा आदमी नहीं है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी जेब में आपकी पसंदीदा हाथ में बांधने वाली घड़ी यानी रिस्ट वॉच है या आपके हाथ पर बंधी हुई है, तो इस ख्वाब की तबीर बताती है कि आप अपने आमाल और काम में ज़्यादा मोहतात नहीं हैं। आपकी लापरवाही की वजह से आप एक अजीम और रोशन मौके से महरूम रहेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि किसी ने आपको एक घड़ी दी है या आपने खुद नई घड़ी खरीदी है, तो इसका मतलब एक नए और अच्छे दोस्त से मुलाकात है। ये शख्स आपके लिए रहनुमा बन जाएगा। किसी भी सूरत हाल में वो आपको अच्छे और मुफीद मशवरे देगा और आपको गलतियों से बचाएगा। नौजवानों और नौ उम्र लोगों के लिए वक्त की तशरीह वालिदैन और ख़ानदान है, जो हमेशा आपको ख़बरदार करते हैं और आपको अपने तजर्बात से मुहतात रहने की कोशिश करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो आपको सही काम करने का मशवरा देते हैं और गलत काम से रोकते हैं। शादीशुदा ख़वातीन के लिए ख्वाब में एक घड़ी सास की अलामत है, जो बहुत मेहरबान, देखभाल करने वाली और बेलौस है। अगर आपने ख्वाब में लंदन की घड़ी की तरह एक बहुत बड़ी घड़ी देखी है, तो इसकी ताबीर बताती है कि किसी बहुत बड़े इदारे में काम करना मुमकिन है या आपको कोई बहुत मुश्किल और बड़ा काम सौंपा जाएगा। अगर आपने ख्वाब में देखा कि घड़ी काम नहीं कर रही और पीछे है, तो इसकी ताबीर में भी कोई नुक्स और मसला मालूम होता है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कहीं गफलत का शिकार हुए हों और आपकी लाइल्मी ने आपकी ज़िंदगी में खराबी पैदा कर दी हो। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी घड़ी का डायल काला है, जिस पर कोई नंबर भी वाजे तौर पर नज़र नहीं आता, ये एक बहुत पेचीदा मसले और एक बड़ी रुकावट की तरफ इशारा करता है, जिसे आप आसानी से दूर नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखते हैं कि आपने खुद एक घड़ी तोड़ी है, तो आप अपने किसी करीबी और अच्छे दोस्त को नाराज़ करेंगे। शायद आप अनजाने में इसे नाराज़ करेंगे। ये गलतफहमी आपकी दोस्ती टूटने की वजह भी बन सकती है और आपका ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपने किसी और की घड़ी ले ली है, तो ऐसे ख्वाब की ताबीर खयानत और पीठ में छुरा घोंपने की तरफ इशारा करती है और आप किसी से बेवफाई करेंगे। अगर आप इसके बरक्स देखें, यानी किसी और ने आपकी घड़ी ले ली है और आपको वापस नहीं की, तो इसकी तशरीह आपको बताती है कि अगर आपने गफलत की, तो वो आपके हक की खिलाफ वर्जी करेगा। अगर आप ख्वाब में दूसरों के हाथों में घड़ी देखते हैं, तो ये एक मुस्बत ख्वाब है और आपके मामलात में तरक्की और पेशरफ्त की तरफ इतला देता है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपने किसी और को कलाई की घड़ी दी है, तो ये ख्वाब मुस्बत और अच्छे दिनों की अलामत है। परेशान ना हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक नए और इत्मीनान बख्श मरहले में दाखिल होगी। अगर आप ख्वाब में वाल कलाक की आवाज़ सुनते हैं, तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। यह ख्वाब आपके किसी अजीज़ के इस दुनिया से जाने की तरफ इशारा करता है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप सही वक्त जानने के लिए अपनी घड़ी देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा ख्वाब नहीं है। इसकी तशरीह से पता लगता है कि आप कितनी ही कोशिश करें, आपको अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा और आप नाकामी और तबाही की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी कलाई की घड़ी ज़मीन पर गिर गई है और टूट गई है, तो इसकी ताबीर जहनी तनाव, परेशानी और अस्तराब है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी कलाई की घड़ी का शीशा अचानक ज़मीन पर गिर गया है, तो इसका मतलब है कि आप काम करने और अपनी ज़िंदगी को संभालने में लापरवाह हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी कलाई की घड़ी गुम हो गई है, तो ताबीर है कि आपके ख़ानदान में जो इंतशार और अफरा तफरी पैदा हो गई है, वो आपको तकलीफ़ और उलझन देगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपने कहीं से कलाई की घड़ी चुरा ली है, तो इसका मतलब है कि नेक नामी, इज्जत और शोहरत के दुश्मनों ने आपको निशाना बनाया है और जल्द ही आपकी इज्जत और नामोस पर बुरा असर डालेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि किसी ने आपको कलाई की घड़ी तोहफे के तौर पर दी है, तो ये ख्वाब इस बात की निशानदेही करता है कि आप फ़ानी और ख़ाली तफरीहात से दूर रहने और ज़िंदगी का एक नया तजर्बा करने के लिए फैसला करेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि किसी और ने आपको कलाई की घड़ी तोहफे के तौर पर दी है, तो ये ख्वाब इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि आप फ़ानी और ख़ाली तफरीहात से दूर रहने और ज़िंदगी का एक नया तरीका मुंतखब करने का फैसला करेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि वक्त गैर मामूली हरकत कर रहा है, यानी बहुत तेज़ी से और बेकाबू होकर आगे बढ़ रहा है, तो ख्वाब एक फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी की अलामत है। ये एक जज्बाती मसला भी हो सकता है। वैसे भी हालात जो भी हों, ये आपके बहुत करीब है। ये ख्वाब आपको बताता है कि वक्त आपका दोस्त नहीं है और आप इस मुख्तसर वक्त में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ख्वाब में देखें कि घड़ी की सुइयां पीछे की तरफ बढ़ रही हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर बताती है कि आपने ऐसा रास्ता चुना है जो आपको तरक्की नहीं दे सकता और आप अपने अहदाफ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहे हैं, तो ये ख्वाब आपको बेफिक्र रहने और ज़्यादा आराम करने की वजह से हो सकता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी एक खास फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा फंस गई हो और आपको लगता है कि यह मसला आपको महदूद कर रहा है। ख्वाब में एक पॉकेट घड़ी, चाहे आप इसे किसी और के हाथ में देखें या खुद रखें, आपके वक्त की पाबंदियों के बारे में आपकी परेशानी की अलामत है। इस ख्वाब की एक और तबीर आपके पुराने ख्यालात की अलामत हो सकती है। अगर आप अपने ख्वाब में अलार्म वाली घड़ी देखते या सुनते हैं, तो ये जाहिर करता है कि आप अपने मंसूबों के ख़त्म होने और काफ़ी वक्त होने की वजह से बहुत परेशान हैं। अगर आप मुनासिब तरीके से मनसूबाबंदी करेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अगर आप ख्वाब में ऐसी घड़ी देखते हैं जो टूटी हुई थी या इसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ था, तो ये ख्वाब जाहिर करता है कि आपको अपने एहसास पर यकीन नहीं है या आपको अपनी बात दूसरों को समझानी नहीं आती। रेत का गिलास, अगर आपने ख्वाब में घंटा गिलास देखा तो इसका मतलब है कि आपका वक्त खत्म हो गया और आपका मुकम्मल अमल करना होगा। ये मुमकिन है कि ख्वाब आपको किसी खबर के बारे में बताए। बेहतर है कि आगाह रहें और इस मौके का मौसर तरीके से इस्तेमाल करें। इस ख्वाब की एक और तबीर ऐसी सूरत हाल को जाहिर करती है जो अचानक आपके तस्वुर के बरक्स बदल जाती है। अगर ये मनफी हो तो ये मुस्बत और इत्मीनान बख्श हो जाएगी, और अगर मुस्बत हो तो ये अफरा तफरी का शिकार होगी। घड़ी की सुइयां, अगर आपने ख्वाब में देखा कि घड़ी की सुइयां आपको एक मखसूस वक्त दिखा रही हैं, तो इम्कान है कि इसकी ताबीर आपको हाल और मुस्तकबिल में होने वाले अजीब और गैर मुतवक्का वाकियात के बारे में बताएगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। खराब घड़ी, अगर आपने ख्वाब में खराब या टूटी हुई घड़ी देखी है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत कन्फ्यूजन और परेशानी का शिकार हैं। आपने बहुत वक्त ज़ाया किया है और आपने तरक्की के इम्कान को खो दिया है। ऊंचे टावर वाली घड़ी, अगर आपने ख्वाब में एक ऊंचे टावर के दरवाजे पर घड़ी देखी है, तो इसकी ताबीर एक ऐसे शख्स को जाहिर करती है जिसकी ज़रूरत है कि आप इसे देखें और आपकी आंखों से पहचाना जाए। हो सकता है वो आपके सामने खुद को साबित करने का मौका ढूंढ रहा हो। अगर आपको ये घड़ी टावर ऑफ लंदन जैसे टावर में नजर आती है, तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़े इदारे में काम करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।